पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहती हो कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, लेकिन मुरादाबाद पार्षद की कुछ सीटों पर भाजपा का परिवारवाद साफ तौर पर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 37 से विजयपाल सैनी के सुपुत्र शैलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। आज वार्ड 37 के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने वार्ड 35 के पार्षद प्रत्याशी को शुभकामनाएं दी और चुनावी मैदान में जोर शोर के साथ लगने का आह्वान किया। इस अवसर पर विजयपाल सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे पर भरोसा जताया है, उसके लिए वो आभारी हैं और क्षेत्र की सीट निकालकर वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। चुनाव को लेकर तैयारियां मेरी जो है नगर निगम की नहीं है, मतलब मेरी तैयारियां जो है, मैं अक्सर कम से कम 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। मेरी तैयारी जो है विधानसभा के लिए भी होती हैं और लोकसभा के लिए भी। ये निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में मैं जो है 2000 में मैं कुछ स्वयं जो पार्षद बना, 2006 में मेरी मिश्रित पार्षद बनी। पार्टी ने इस बार वार्ड 37 से मेरे बेटे को जो है प्रत्याशी बनाया, विश्वास किया है। वो बेटे के कार्यकलाप के ऊपर मैं पार्टी का क्या कर, पुराना सिपाही हूँ, बेटा भी जो है कार्यकर्ता है, उन्होंने विश्वास जताकर मेरे बेटे को जो है वार्ड 37 से पुनः चुनाव लड़ने के लिए आपको तीसरी बार जो है, पहले मेरे को फिर पत्नी को फिर बेटे। अच्छा, आप क्षेत्र की जनता का बहुत अच्छा समर्थन है और तैयारियाँ हमारी प्रॉपर है, क्योंकि हमारे तो बूथ स्तर से पन्ना प्रमुख से लेकर हर तरीके की तैयारियाँ हैं और पूरा क्षेत्र के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सारे अपने टीम वर्क के साथ वर्क कर रहे हैं और अच्छी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अच्छा, भाजपा ने अब से पहले आपके परिवार में आपके पिताजी को माताजी को मौका दिया, इस बार आपको मौका दिया है, क्या कहें? तो यही कहना है कि उनका कार्यकाल अच्छा गया, क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जनता ने उन्हें वो क्या, पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा किया, जो एक ही परिवार के तीसरी पीढ़ी में मतलब तीसरे मेंबर के रूप में मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और ये जिम्मेदारी मुझे दी है। तो आप किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को निभाई? जिस तरीके से मेरे पापा मम्मी ने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, उससे ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र में अपने समय दूंगा और क्षेत्र की जनता का जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान। अच्छा, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।